क्या होता है जो पार्ट जिसको हम टच कर सकते हैं वो एक हमारा हार्डवेयर होता है और जो सॉफ्टवेयर जो हमारी प्रोसेसिंग का काम करता है जिसे सिर्फ देख सकते हैं मॉनिटर के थ्रू वो हमारा सॉफ्टवेयर का काम करता है ओके सो हार्डवेयर आर दी कंपोनेंट्स ऑफ दंप्यूटर सिस्टम कंप्यूटर कंप्यूटर सिस्टम जो कंप्यूटर का सीपीयू मदर बोर्ड बहुत सारी चीजें जो कंप्यूटर को सिस्टम बनाती है वैसे ही कंप्यूटर का एक पार्ट है फिजिकल टेंजिबल पीसेस दैट वी कैन सी एंड टच हार्डवेयर क्या है वो फिजिकल पार्ट टेंजिबल पार्ट टेंजिबल पीसेस अलग अलग पीसेस दैट वी कैन सी जिसे हम देख सकते हैं टच कर सकते हैं जैसे ही मदरबोर्ड हो गया एस एम पी एस क्या होता है स्विच मोड पावर सप्लाई इसके बारे में भी बात करते हैं ओके वन रैम हो गया साउंड हो गया साउंड मतलब स्पीकर एक्सेट्रा दीज ऑल आर हार्डवेयर्स, ओके सो वॉट इज सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स ये एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स है टेलिंग द कंप्यूटर हाउ टू प्रोसेस द डेटा विच आर स्टेप बाय स्टेप स्टेप इंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर क्या होता है जो हमारे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करता है इंस्ट्रक्शंस देता है कि हाउ टू प्रोसेस डेटा जो हमने इनपुट दिया है उसको कैसे उसकी प्रोसेसिंग करनी है उसके हमें कैसे आउटपुट देना है ये सारे काम को प्रोसेसिंग का काम सबको कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट uh, करना ये सारा काम कौन करता है हमारा सॉफ्टवेयर करता है ठीक है तो अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में बात करी हमने कि हार्डवेयर इज द फिजिकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर एंड द सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शन फॉर द हार्डवेयर टास्क ओके okay? तो जो हार्डवेयर है और ये सॉफ्टवेयर है हार्डवेयर के अंदर ही सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है जैसे मॉनिटर के अंदर ही हमारे सॉफ्टवेयर घूम होते हैं ओके okay? सो so, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जो चीज ज्वाइन करती है उसे क्या कहते हैं फर्मवेयर कहते हैं दी बाउंड्री बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज कनेक्टेड थ्रू अ फर्मवेयर सॉफ्टवेयर दैट इज बिल्ट इन टू दार्डवेयर ये हार्डवेयर के अंदर ही इनबिल्ट होती है फर्नवेयर जो हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को ज्वाइन करती है ये एक बाउंड्री की तरफ वर्क करती है ओके जो हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को ज्वाइन करती है ओके इन कंप्यूटर सिस्टम फॉलोइंग हार्डवेयर कम्पोनेंट्स आर अवेलेबल टू परफॉर्म वेरियस टास्क जैसे कि जो हमारे मदरबोर्ड होते हैं एस एम पी एस होते हैं स्टोरेज कंट्रोलर होते हैं जिसमें हमारी चीजें स्टोर होती हैं ग्राफिक्स कंट्रोलर होते हैं इंटरफेस कंट्रोलर होते हैं

इन साइड दूटर सिस्टम के बाहर के अंदर मेमोरी पार्ट को कंट्रोल करता है और भी बहुत सारी चीजों को वो कंट्रोल करता है एंड हैज एन एक्सपेंशन कार्ड हम इसकी मदर कार्ड की मेमोरीज को इंक्रीज भी कर सकते हैं कुछ एक्सपेंशन कार्ड भी इसमें प्रेजेंट होते हैं ओके सेकेंड वन इज एस एम पी एस स्विच मोड पावर सप्लाई जैसे कि हमारे घर में जो सप्लाईज आती है इलेक्ट्रिसिटी की वो अल्टरनेटिव करंट बेस्ड होती है वैसे जो कंप्यूटर को सप्लाई चाहिए होती है वो डायरेक्ट करंट की चाहिए होती है क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी के बिना वो वर्क नहीं कर सकता है इट अल्टरनेटिव करंट करंट टू ड्यू में चेंज करता है ओके थर्ड वन इज स्टोरेज कंट्रोल स्टोरेज कंट्रोल क्या होता है स्टोरेज कंट्रोल ऑफ आई डी एस सी एस आई और अदर टाइप डेट कंट्रोल हार्ड डिस्क

ओके ग्राफिक कंट्रोलर्स क्या होते हैं इट प्रोड्यूस इट प्रोड्यूस दुट फॉर मॉनिटर ग्राफिक कंट्रोलर ग्राफिक मतलब क्या होता है जो हमारे पास जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है वही ग्राफिक्स होती है ओके तो जो ग्राफिक कंट्रोलर होता है जो मॉनिटर पे जो हमें आउटपुट दिखता है हमारी डेटा को प्रोसेसिंग के बाद उसको कंट्रोल करता है ग्राफिक कंट्रोलर ओके लास्ट वन इज इंटरफेस कंट्रोलर इंटरफेस कंट्रोलर क्या होता है इंटरफेस कंट्रोलर आर सीरियल यूएसबी बी टू कनेक्ट कंप्यूटर टू एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइसेस एज प्रिंटर और स्कैनर इंटरफेस कंट्रोलर ये फर्म फायरवेयर मतलब यूएसबी जैसे कि हमें एक कंप्यूटर से हमने फोन को कनेक्ट करना होता है तो हम यूएसबी के थ्रू कनेक्ट करते हैं वैसे ही जो इंटरफेस कंट्रोलर होता है ये हमारे कंप्यूटर के कंप्यूटर को कनेक्ट करता है बाहर के एक्सटर्नल डिवाइस जैसे कि स्पीकर से कनेक्ट करना होता है हमें हम प्रिंटर से कनेक्ट करना होता है स्कैनर से कनेक्ट करना ये सारी चीजें हमारे इंटरफेस कंट्रोलर में आती हैं तो ये हो गया इंट्रोडक्टरी पार्ट हार्डवेयर का ओके लेट्स टॉक अबाउट दिस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इन नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सीपीयू के बारे में सीपीयू क्या होता है इट इज देंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड इट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर हार्ट जितने भी प्रोसेसिंग के काम होते हैं वो सीपीयू के हेल्प से ही होते हैं टर्म इज ऑल्सोर सेंट्रल प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर और चिप जैसे कंप्यूटर के बारे में बात भी करी थी ये सीपीयू उसको कहा भी जाता है ओके जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होते हैं मोस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग इन साइड अंप्यूटर सारी प्रोसेसिंग को या फिर मोस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग काम हमारा सीपीयू ही करता है टू कंट्रोल इंस्ट्रक्शन डेटादर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर टू

है ना और द सेकेंड वन इज कंट्रोल यूनिट एंड द थर्ड वन इज मेमोरी यूनिट सो एक बार हम ऐसे देख लेते हैं ग्रोथ्रू हो जाते हैं कि अरेथमेटिक लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल और मेमोरी यूनिट क्या क्या होती है ओके सो फर्स्ट इज अरेटिक लॉजिकल यूनिट इट इज अ पार्ट ऑफ द कंप्यूटर प्रोसेसर ये सीपीयू का पार्ट है कैन बी यूज्ड परफॉर्म अरेथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस अरिथमेटिक मतलब कि मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब भी कर सकता है लॉजिकल ऑपरेशन जैसे कि हमें कुछ प्रोसेसिंग का वर्क करवाना है तो वो ये कर सकता है एंड अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट इज फर्दर डिवाइडेड टू पार्ट्स तो अरिथमेटिक यूनिट और लॉजिकल यूनिट जैसे मैंने भी आपको बताया फॉर एग्जाम्पल जो सिंपल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जैसे कि ऑपरेशन क्या क्या हो सकते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई करना डिवाइड करना लॉजिकल ऑपरेशन क्या हो सकते हैं लेस देन देखना ग्रेटर देन कौन सा डिजिट कौन किससे बड़ा है ये सब चीजें लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं ओके okay? सो सेकंड वन इज कंट्रोल यूनिट कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है कंट्रोल यूनिट वर्क्स लाइक दी बॉस एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल दी प्रोसेसर एक्टिविटीज जितनी भी प्रोसेसर एक्टिविटीज होती है सीपीयू के अंदर वो सारी ही चीजें सी कंट्रोल यूनिट के अंदर आती है प्रोसेसर यूज इन अ कंप्यूटर इज पार्शियली मेड आउट ऑफ सिलिका ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो प्रोसेसर बना होता है वो किससे बना होता है तो वो सिलिका से बना होता है ऑन द अदर हैंड वर्ड सिलिकॉन से यूज फॉर डेटा प्रोसेसिंग आरकॉन माइक्रो प्रोसेसर इसे माइक्रो प्रोसेसर कहा ही जाता है ओके कंट्रोल यूनिट के बारे में इतनी चीजें काफी हैं और मेमोरी यूनिट क्या होता है मेमोरी यूनिट क्या होता है मेमोरी यूनिट इज स्टोर्ड डेटा एंड इंस्ट्रक्शन बिफोर एंड आफ्टर प्रोसेसिंग जैसे हमने कुछ इनपुट दिया उस डेटा को स्टोर करने का काम हमारा मेमोरी यूनिट करती है और मेमोरी यूनिट भी दो तरह की होते हैं प्राइमरी मेमोरी और इंटरनल मेमोरी भी इसे कहा जाता है और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी जैसा कि अभी हमने बात करी है सीपीयू के बारे में हार्डवेयर के बारे में वैसे अब हम बात करते हैं इनपुट डिवाइस के बारे में इनपुट डिवाइस क्या होती है एंड इनपुट डिवाइस एक्सेप्ट द इनपुट फ्रॉम द यूजर इनपुट डिवाइस क्या करती है हमारी जो हमसे इनपुट uh, जो हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर में वही इनपुट डिवाइस होती है ओके देर आर मेनी काइंडिवाइस लाइक की बोर्ड माउस जिसके थ्रू हम अपने डेटा को अपने इनपुट uh, को देते हैं कंप्यूटर के अंदर वही इनपुट डिवाइस होती है जैसे कि हम कीबोर्ड बोर्ड के थ्रू टाइपिंग करके देते हैं माउस से क्लिक करके भी हमने इनपुट देता है हम लोग देते हैं ओके देर आर मेनली थ्री फंक्शन ऑफ इनपुट डिवाइसेस और uh, इनके दो तीन फंक्शन ही होते हैं ओके फर्स्ट इज एंड इनपुट डिवाइस एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम द यूजर हमसे डेटा लेता है इनपुट डिवाइस कन्वर्ट करता है इंस्ट्रक्शन इन टू कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज जैसे कि अभी हमने बात की कंप्यूटर के अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज कौन कौन सी होती है बाइंडी लैंग्वेज एंड मशीन लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज ओके एंड इट सप्लाइज द कन्वर्टेड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर सिस्टम फॉर फर्दर प्रोसेसिंग उसके बाद कंप्यूटर को वो फर्दर प्रोसेस करता है हमारे डेटा को आउटपुट के लिए ओके okay? तो अगर हम इनपुट यूनिट की बात कर चुके हैं तो हम बात करते हैं आउटपुट यूनिट क्या होती है आउटपुट यूनिट क्या होती है एंड आउटपुट डिवाइस एक्सेप्ट दी आउटपुट फ्रॉम द सीपीयू सीपीयू से प्रोसेसिंग के बाद जो हमें आउटपुट देना होता है वो हमारा आउटपुट यूनिट वर्क करता है देर आर मेनी ऑफ आउटपुट डिवाइसेस लाइक मॉनिटर और प्रिंटर जो भी हम प्रोसेसिंग के बाद हमें जो डेटा मिलता है वो हमें कहाँ पे दिखता है मॉनिटर पे हमारे दिखता है हाँ प्रोसेसिंग के बाद अगर हमें प्रिंट में कुछ हमने कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट किया हुआ तो हमें आउटपुट कहाँ मिलता है प्रिंटर से मिलता है ओके okay? तो ये सारे हमारे आउटपुट यूनिट होते हैं देर आर मेनली थ्री फंक्शन ऑफ आउटपुट दउटपुट डिज आर फॉलोज जैसे कि इट एक्सेप्ट दी रिजल्ट फ्रॉम दीपी यू इन दी फॉर्म ऑफ मशीन लैंग्वेज मशीन की लैंग्वेज में हम वो आउटपुट को हमें देता है एक्सेप्ट करता है नहीं मशीन की लैंग्वेज में वो सीपीयू से डेटा को लेता है ओके okay? और इट कन्वर्ट रिजल्ट फ्रॉम मशीन लैंग्वेज टू अन रीडेबल लैंग्वेज जैसे कि हमें आउटपुट चाहिए हो हिंदी लैंग्वेज में इंग्लिश लैंग्वेज में या फिर कोई भी नेटिव लैंग्वेज में हमें जिसमें भी आउटपुट चाहिए हो होता है ये उसमें कन्वर्ट करता है एंड इट सप्लाइज कन्वर्ट रिजल्ट टू आउटपुट डिवाइस और ये आउटपुट डिवाइस जैसे कि हमारे मॉनिटर uh, हो गया किसी भी चीज को हमारे डेटा को जो हमारा आउटपुट रहता है उसको प्रोसेस करके बाहर देता है हमें उसको रिजल्ट के फॉर्म में बाहर देता है ओके अब हम बात करने वाले हैं कुछ इनपुट डिवाइसेस के बारे में कुछ इनपुट डिवाइसेस के बारे में जैसे कि कीबोर्ड की बात करते हैं कीबोर्ड क्या होता है द कीबोर्ड लुक्स लाइक अ टाइप राइटर आपने शायद कलेक्ट कर फिर आपने कीबोर्ड तो वैसे देखा ही होगा इसमें काइंड ऑफ इनपुट डिवाइसेज होते हैं द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ की बोर्ड आर इट कंटेन्स ऑल दी लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट नंबर कुछ स्पेशल सिम्बल्स होते हैं कुछ इसमें शॉर्टकट्स भी होते हैं कुछ इसमें uh, सारे बटन से कुछ स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं ओके सो इट्स ऑल अबाउट द कीबोर्ड की बोर्ड में स्टैंडर्ड की बोर्ड में कितनी कीज होती है वन जीरो फोर कीज होती हैं ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही समझाया था हम्म सेकेंड वन इज माउस माउस क्या होता है इट इज अ डिवाइस दैट इज यूज टू कंट्रोल द कंप्यूटर इट इज अ काइंड ऑफ इनपुट डिवाइस माउस भी एक इनपुट डिवाइस होता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माउस क्या होता है अ केबल कनेक्ट दी माउस टू द कंप्यूटर एक केबल के थ्रू वो जैसे कि हम यूजबीए से फोन कनेक्ट करते हैं उसी तरीके से हम माउस को भी कनेक्ट करते हैं अपने कंप्यूटर से ओके वेन माउस इज मूव ऑनड द कर स्क्रीन जैसे जैसे कर्सर हमारा माउस मूव करता है वैसे वैसे हमारा स्क्रीन पे कर्सर भी मूव करता है कर्सर क्या होता है

स्कैनर से हम अपनी जैसे स्कैनर क्या होते हैं स्कैनर के थ्रू आर यूज टू इंटर इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली इन टू दी कंप्यूटर मेमोरी किसी कंप्यूटर में अगर हम डायरेक्टली कोई चीज डालनी है मतलब जैसे कुछ इंफॉर्मेशन को हमें को प्रोसेस करवाना है स्कैन डॉक्यूमेंट्स निकलवाने हैं हमें कहीं पे अपलोड करने वो सारी चीजें हम स्कैनर के थ्रू करते हैं दिस डिवाइस वर्क्स लाइक अ जेरोक्स मशीन कि हम कॉपी बनवाने जाते हैं फोटो कॉपीज करवाते हैं वैसे ये वर्क करती है कंप्यूटर उसको डिजिटल पल्स जो हमारा जैसे स्कैनर होता है वो हमारे दिए हुए इनपुट को भी डिजिटल uh, पल्स में कन्वर्ट करता है उसके बाद मैनिपुलेट करता है कंप्यूटर में ओके okay? एंड फोर्थ डिवाइस इज माइक्रोफोन माइक्रोफोन क्या होता है इट इज अ काइंड ऑफ इनपुट डिवाइस विच इज यूज टू टेक साउंड एज इनपुट जैसे जिसमें मैं बोल रही हूँ ये भी एक माइक्रोफोन है माइक्रो फोन में जैसे कि हम बोलना चाहते हैं जैसे कि माइक हो गया हमारा हु? ये सारे ही इनपुट डिवाइस वी डू कनेक्ट इट विद अ जैक पोर्ट से इसे कनेक्ट किया जाता है ऑफ द कंप्यूटर से सिस्टम एट द फ्रंट और रियर पैनल ऑफ द सिस्टम एंड यूज इट वहां से हम इसको यूज कर सकते हैं ओके ऑल अबाउट थैंक्स फॉर वॉचिंग Uh, if you like the video, please subscribe to the channel and share and please mention your feedback in comment section. Thank you so much for watching.